evening, guys. Not evening, it's afternoon. उल्टा हो गया. तो अभी मेरी बेटी जो है वो नैप ले रही है और मैं कर रही हूँ अपने सारे काम. जो भी काम मैं उसको लेके नहीं कर सकती हूँ वो सब काम मैं अभी इस टाइम के लिए छोड़ देती हूँ. अभी आप मेरे पीछे चेयर पे इधर, हाँ इधर इधर आप देख सकते हो कितने सारे कपड़े हैं. वो सब मुझे आयरन करने हैं और क्या करना है और बहुत कुछ करना है अभी. लेकिन ये सब काम मैं उसके उठ जाने के बाद भी कर सकती हूँ. लेकिन उसको लेके मैं जो जो काम नहीं कर सकती हूँ बस मैं पहले वो सब निपटा लूँगी जो है. इट्स मी टाइम फॉर माई सेल्फ. और आज मेरा आया है नायका का एक पार्सल. आई नो कितने जितने भी मेरे फीमेल व्यूअर्स है वो सब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होते क्योंकि नायका मतलब बैंकक्रप्ट करके छोड़ेगा ना, ऐसा टाइप का है नायका का कुछ जो फंडा होता है वो. क्योंकि नायका में कोई भी ऑफर आता है पता नहीं यार कैसा लगता है, अरे बाप रे इतना अच्छा ऑफर आ गया, क्या हो रहा है. मतलब कितना भी आप कंट्रोल करो, कंट्रोल 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 करते करते इतना भी हो सके तो वो भी निकलेगा ही हर महीना. तो जो भी ज़रूरत का सामान है वो छोड़ के, तो ज़रूरत का सामान तो लेना पड़ेगा वो बात नहीं है. लेकिन हाँ चलिए, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. पता नहीं, मुझे पता है कि क्या क्या मैंने ऑर्डर किया था वही वही आएगा. ऑफ कोर्स कोई एक्स्ट्रा तो चीज़ भेजेगा नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना एक्साइटमेंट हो जाता है. नायका का ऑर्डर आया है, नायका का ऑर्डर आया है, ये मेरा ऑर्डर, नायका का ऑर्डर. तो चलिए मैं इसे करती हूँ अनबॉक्स. पहले देखती हूँ क्या क्या है, आपको भी दिखाऊंगी. आता है ना नायका, सोचते हैं हम लोग खोलेंगे ही नहीं. जो पता नहीं मुझे टेक्सचर बोलेंगे कि क्या बोलूंगी, पता नहीं आया है. मेरा जो बाल नेक्टर का ये है मॉइस्चराइजर है, ये फिनिश होने वाला है. अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है तो पहले ही मैंने ये ऑर्डर कर दिया है ताकि अभी तो लग रहा है बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र. तो ये आया है मेरा बायोटिक का मॉइस्चराइज़र, बहुत ज़्यादा सही है. मेरी एक बहुत क्यूट सब्सक्राइबर है इश्मिता शाहू, तो उन्होंने एक बार मुझसे पूछा था कमेंट में मैं अपनी स्किन केयर जो रूटीन है वो शेयर करूँ. तो बेसिक चीज़ तो मैंने शायद एक व्लॉग या दो व्लॉग के पीछे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ. तो मॉइस्चराइज़र और टोनर मैं बायोटिक का ही यूज़ करती हूँ. और ये वाला टोनर बायोटिक क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा सही है मेरे स्किन टाइप के हिसाब से. और मेरा स्किन टाइप नॉर्मल है और कभी कभी वो टी जोन में जो टी जोन होता है वो थोड़ा बहुत ऑयली लगता है बस, कभी कभी. मतलब आई एम ब्लेस्ड विद अ गुड स्किन, ठीक है ये बात है. पिंपल्स की मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. बस मैं जब फीडिंग कर रही थी बेबी को तब उस टाइम पे थोड़े बहुत जो फ्रेकल्स, क्या बोलते हैं उसको, फ्रेकल्स बोलते हैं कि कुछ बोलते हैं, ऐसे टाइप के ना दाने दाने निकल रहे थे. जो अभी तो मैंने उसको विनिंग छुड़वा दिया है तो वो अभी बड़ी हो गई है तो धीरे धीरे करके वो भी चले जा रहे हैं. तो मुझे उस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है. कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा ड्राई लगता है मेरा स्किन तो मैं सिंपली थोड़ा सा क्यूकम्बर दे रही हूँ, कोकोनट ऑयल लेके अपने फेस को थोड़ा सा मसाज कर लेती हूँ, दैट्स इट. और थोड़ी बहुत इधर उधर की घर की ही बनाई हुई चीज़ों को मैं प्रेफर करती हूँ यूज़ करना अपने लिए, अपने स्किन के लिए. तो एक दो फेस पैक्स जो है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी मेरे आने वाले व्लॉग्स में. एक मैं अभी बता दूँ जो मेरा एकदम मतलब डैम फेवरेट है वो है मुल्तानी मिट्टी विद गुलाब जल. तो ये दो प्रोडक्ट, ये वाला प्रोडक्ट अभी आया है मेरा. और मेरी बेटी के लिए मैं जैसे आपको पिछले ब्लॉग में दिखाई थी कि ममा अर्थ की ही मैं ज़्यादातर प्रोडक्ट्स उस पर यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सही लगता है.
तो ये वाला है उसका भी थोड़ा सा है क्रीम, तो उस रूम पे होगा शायद, मेरी बेटी भी सो रही है तो वो उसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो रहते रहते ये भी मैंने उसका भी मॉइस्चराइज़र जो है वो मंगवा लिया है, तो ये भी आया है। अच्छा, ये आया है लक्स का स्कारलेट ब्लॉसम फॉर सेडक्टिव लॉन्ग लास्टिंग फ्रैग्रेंट स्किन। ये इजिप्शियन वायलेट एंड फ्रैग्रेंस ऑफ एलिमी ऑयल कुछ तो है, पता नहीं। ये मैंने कभी लक्स का यूज़ नहीं किया है, पहली बार मैंने इसका, लेकिन इसका स्मेल मैंने लिया था मेरी एक फ्रेंड के घर, मेरी एक फ्रेंड यूज़ करती है इसको, इसका स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तभी मैंने सोचा था कि मेरा, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, डव का डव यूज़ कर रही थी बॉडी वॉश, लेकिन अभी पता नहीं, देखती हूँ ये भी यूज़ करके, मुझे इसका जो स्मेल है बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आई नो इट्स अ केमिकल बेस्ड, लेकिन फिर भी देखती हूँ एक बार यूज़ करके, इसका जो सेंट है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसीलिए। ये है यही ऑफर ना, मुझे लगा वाओ ये ऑफर दे रहा है, तो इसमें क्वालिटी बताती हूँ, उसके बारे में भी बताती हूँ। अच्छा है कलर। अच्छा, इसकी स्टोरी में बता दूँ, ये फेसेस कनाडा का दो नेल पेंट्स पे एक फ्री का ऑफर था, तो मैं इस ब्रांड की फेसेस कनाडा की मेरे पास शायद 3-4 और भी कलर्स हैं नेल पेंट्स में, तो मुझे नेल पेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। आई नो कि आप लोग मेरे अभी के वीडियोस में इस टाइप के नेल्स ही ज़्यादातर दिखते होंगे, बट बिलीव मी यार, ये नेल्स, ये हैंड्स एक्चुअली है एक स्ट्रगलिंग टॉडलर की, सॉरी एक मदर की, जो एक स्ट्रगलिंग मदर है ऑफ अ टॉडलर, जिनके घर पे टॉडलर्स है उनको पता है मैं क्या कहना चाहती हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या है, बट यस आई रियली कांट हेल्प इट, बट समटाइम्स इट रियली लुक्स लाइक दिस मच अगली, बट थोड़ी बहुत इग्नोर आप कर ही सकते हो मेरे इस टाइप के हैंड्स को। तो मेरे पास है बहुत सारे नेल पेंट्स, लेकिन मतलब ऐसा दिन था मेरे लाइफ में, पहले मैं एवरी डे नेल पेंट्स चेंज करती थी, मुझे इतना ज़्यादा क्रेज़ था नेल पेंट्स का, लेकिन इस टाइम पे ना हफ्ते में एक बार भी लगा लूँ ना तो लगता है कितना अच्छा लग रहा है, इस टाइप लग रहा है। खैर छोड़ो, ये दो नेल पेंट्स मैंने लिया है, दोनों कलर्स बहुत क्यूट है, और इसके साथ ये वाला फ्री आया है, ये भी फेसेस कनाडा का ही है, लेकिन इसका कुछ ऑफर था तो ये वाला है फ्री आया है इन दोनों के साथ। तो आई एम सो लकी, मैं ना पहले सोच रही थी, मैंने ऑर्डर तो दे दिया, अभी पता नहीं इसका कलर, मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं पता होता है, रैंडमली आता है, तो मैं सोचने लगी क्या पता कैसा कलर आएगा, अच्छा नहीं लगेगा वो, क्या करूँ, अगर अच्छा नहीं आएगा तो बेकार हो जाएगा वो, ये कितना सोचने लगी, लेकिन अच्छा आया है, आपको दिखाऊँ कलर। और इसकी इसका ये तो मैं नहीं बता सकूंगी, इसका ये नहीं बता सकूंगी क्योंकि ये फ्री है, यहाँ पे लिखा हुआ है सी फ्री, तो इसके बारे में, इसका नंबर तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, अगर आपको ये दो नंबर, इसके दो नंबर चाहिए तो बताइएगा, मैं बता दूंगी बाद में। और अगर आपको मेरा नेल पेंट का कलेक्शन देखना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आई लव टू डू अ वीडियो ऑन माय नेल पेंट्स, इतनी ज़्यादा क्रेजी हूँ ना मैं, पता नहीं नेल पेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज होता है, क्या करें। तो चलिए अभी मैं करूँगी थोड़ी बहुत DIYs, क्योंकि DIYs आर लाइक अ थेरेपी फॉर मी,
मेरा मी टाइम जनरली ये DIYs करने में ही लग जाता है। जब भी मैं DIY करने के लिए बैठती हूँ, मेरी बेटी जब होती है तब तो राम ही जाने उसका हालत। तो अभी देर ना करते हुए मुझे एक DIY करना है तो वो करूँगी पहले। चलिए आपको भी दिखाती हूँ। एंड इट्स टाइम फॉर सम DIY। ये मेरे पास एक ब्रोकन ग्लास पड़ा हुआ था जिसको मैंने ग्लू की मदद से उसको फिर से जोड़ के और थोड़ी बहुत अपनी कलाकारी उस पर उतार देना बस। मुझे ये सब काम पता नहीं क्यों इतना अच्छा लगता है। अगर मेरी जैसे कोई भी इतनी क्रेजी वाली DIY लवर है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। नया नेल पेंट घर पे आए और उसे हम अप्लाई ना करें, ऐसा कभी हो सकता है? ब्लेस्ड टू हैव अ बेबी गर्ल। और ये अभी है शाम का टाइम। अभी मैं इस टाइम पे गोपाल जी को थोड़ी बहुत जो भोग है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि छोटे बच्चों को लेके उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है। कुछ कैंडीज़ चॉकलेट्स वगैरह देके मैं उनको अपना उनका जो डिनर है वो लगा देती हूँ। लीजिए, मेरी गोपाल जी का भी गुड नाइट हो चुका है, वो अभी सो गए हैं इसलिए मैंने उनका पर्दा लगा दिया। शाम का 6:30 और गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे कुछ ही देर में। तो इस टाइम पे जनरली मैं कुछ ना कुछ टिफ़िन जो है मैं घर पे बनाती हूँ, ज़्यादातर दिन ही मैं बनाती हूँ। आज मैंने सिंपल सा बहुत दिनों बाद मैगी बनाया, सिंपल तरीके से ही बनाया था। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा और इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि इसके बाद थोड़ा फैमिली टाइम पर होता है। जो अभी हस्बैंड भी आ चुके हैं, हम लोग ने वो मैगी भी खा लिया है। अभी बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद सिंपल सा पनीर का सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। सब्जी शायद हस्बैंड बनाएंगे क्योंकि उनको अभी थोड़ा मन है किचन में थोड़ा बहुत काम करने का। ही इज़ अ वेरी गुड कुक। तो बस अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और आशा करती हूँ आप सबको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थोड़ा भी अगर अच्छा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टॉडलर्स की मम्मी की बैकग्राउंड म्यूजिक। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए एक व्लॉग के साथ, नई एक मोटिवेशन के साथ। और हाँ, आपका एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन को 1000 गुना बढ़ा देता है और मेरा एकदम बहुत मन होता है कि नई नई वीडियोस, अच्छे अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए मैं लाती रहूँगी। तो चलते हैं अभी के लिए और मिलते हैं नए एक ब्लॉग में। बाय बाय। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा ये नेल पेंट आपको कैसा लगा। रोटियाँ जब ऐसे फूलती है ना, कितना सैटिस्फेक्शन लगता है ना। अगर मेरी जैसी कोई है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए।